देखिए यहाँ पर वर्ब है आपका, और यहाँ पर कल आपने देखा था सिंटेक्स पार्ट वन में आपने वर्ब का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें आपने देखा था कि वर्ब जनरली टू है, एक है आपकी प्रिंसिपल वर्ब और दूसरी है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब को क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। फिर आपने देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप का होता है ना, ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब को ही क्या कहा जाता है, मोडल्स कहा जाता है। क्लियर है? फिर आपने देखा था कि ये प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के फाइव फॉर्म्स, जनरली तो थ्री फॉर्म्स होते हैं जिनको फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। जैसे गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, गो मीन्स जाना। बेंट, ये आपका सेकंड फॉर्म है, और गॉन ये आपका क्या है, थर्ड फॉर्म है। इतना आपने देखा था सीधा सीधा, इसमें बेसिक रूप से थ्री फॉर्म्स है। लेकिन बात करें ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में दो होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है, तो प्राइमरी में आता है इज, एम, आर, वाज और वर। इज, एम, आर, वाज और वर एक कैटेगरी ये होती है। दूसरी कैटेगरी होती है हैज, हैव और हैड होती है। और तीसरी कैटेगरी होती है डू, डज और डिड। डू, डज और डिड ये तीन कैटेगरी है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ब टू बी। इसको क्या बोलते हैं, वर्ब टू हैव। इसको क्या बोलते हैं, वर्ब टू डू। क्लियर है? सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मोडल्स की बात करें तो मोडल्स कितने हैं, 13 है। कैन हो गया, कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, गुड हो गया। मे, और मे का पास्ट फॉर्म माइट। क्लियर है? इसी तरह यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, सेल, सेल का पास्ट फॉर्म शुड हो जाएगा। क्लियर है? और बात करें बिल, वुड, बिल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद में आता है यहाँ पर मस्ट, नीड, आर टू और यूज्ड टू। ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब आता है। ये आपका सिंपली है वर्ब का क्लासिफिकेशन। क्लियर है? इतना सबको समझ में आया ना? एक और कौन सी है? एक और है, और कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, बिल, वुड, मस्ट, आर टू, नीड, यूज्ड टू, और एक कौन सा छोड़ गया भाई, डेयर, डी ए आर ई, डेयर। क्लियर है? ये अब यहां पर देखिए, इतना सबको समझ में आया। प्रिंसिपल वर्ब, पी भी का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब, ए भी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा क्लियर है सबको? इसे अगर लिखना हो तो एक मिनट का टाइम दिया जाएगा, तुरंत लिख लो इसे, इसे लिख लीजिए तुरंत। चलिए अब यहाँ पर देखिए, फिर दूसरा आपने क्लासिफिकेशन देखा था कि वर्ब आपका टू टाइप का होता है, एक होता है आपका फाइनाइट वर्ब, एक क्या होता है आपका फाइनाइट वर्ब, और दूसरा होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज ना हो। नॉन फाइनाइट वर्ब थ्री टाइप का होता है, जीरंड, जी ई आर यू एन डी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाकर बनता है। दूसरा होता है आपका इनफिनिटिव, इनफिनिटिव
इन्फिनिटिव टू प्लस भी वन से बनता है, और तीसरा क्या होता है आपका पार्टिसिपल। क्लियर है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल अगेन थ्री टाइप का होता है। पार्टिसिपल कितने टाइप का? थ्री। कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पर हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हो जाएगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए पार्टिसिपल आपका थ्री टाइप का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जनरली बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स होता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जनरली हो गया मोटा मोटा। क्लियर है? अगर ये चार्ट बनाना चाहते हो तो बना लो जल्दी से, लेकिन बहुत फास्ट। चलिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझना। यहाँ पर अब रूल की बात करें, कैसे रूल बनता है। तो देखिए ये जो जीरंड होता है आपका, और जो इन्फिनिटिव होता है, जीरंड और इन्फिनिटिव ये दोनों का दोनों काम करता है वर्क्स एज अ सब्जेक्ट। ये जो है सब्जेक्ट की तरह काम करता है, एंड आल्सो एज एन ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट की भी तरह काम करता है। सबको समझना है, याद रखना, सबसे क्वेश्चन पूछेंगे। गौरव अभी है ना, इन्फिनिटिव और जीरंड ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और किसकी तरह काम करता है? ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में ही यूज होता है। अगर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वर्क्स एज अ, यहां मैं लिख दूं वर्क्स एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट में किस तरह से? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मतलब इनके बाद सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। जैसे देखिए मैं कहूं काम करना हमारा धर्म है, कर्म है, बाकी सब कुकर्म है, काम करना ही हमारा धर्म है, है ना। चलो काम करना हमारा धर्म है। देखिए काम करना वैसे काम है, यानी कि वर्ब है, समझ पा रहे हो ना। काम करना क्या है? काम है, वर्ब है, लेकिन यहां पर इसके बारे में बात हो रही है कि काम करना हमारा धर्म है। तो जिसके बारे में बात हो वही तो सब्जेक्ट होता है ना। यस सर। जिसके बारे में बात हो वही तो सब्जेक्ट होता है, यानी कि यहाँ काम करना किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है, सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। अब जब ये सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है तो दो तरीका है हमारे पास, एक इन्फिनिटिव और एक जीरंड। इन्फिनिटिव क्या कहता है? टू प्लस भी वन में चलो, यानी कि टू प्लस वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो। जीरंड क्या कहता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा दो, जो इच्छा हो वो करो। तो चलो अभी मैं करता हूं वर्किंग, यानी कि वर्क मीन्स काम करना, इसमें क्या लगा दिया जाए? आई एन जी। तो क्या हो जाएगा? वर्किंग, और अब ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट में सिंगुलर या प्लूरल कौन से सब्जेक्ट की तरह काम करेगा? देखिए वर्क्स एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये किसकी तरह काम करेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसके साथ में क्या लगाया जाए? इज ही तो लगेगा ना। yes, तो क्या हो जाएगा? इज आवर, धर्म का मतलब एक तरह से फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी, रिलीजियन नहीं होगा, है ना। तो वर्किंग इज आवर ड्यूटी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टू वर्क इज आवर ड्यूटी। बताइए समझ में आया? इतना क्लियर है? ये कैसे, ये समझ में आया? देखिए काम करना, इसके बारे में बात हो रही है। आप लोग एक करके दिखाओगे? चलो एक पहले करके दिखाइए। मैं कहूं व्यायाम करना
व्यायाम करना लाभदायक है या लाभदायक होता है। व्यायाम करना लाभदायक होता है, बताइए बात किसके बारे में हुई है? व्यायाम करना, जबकि व्यायाम करना एक्सरसाइज करना एक्चुअल में काम है, लेकिन इसके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब जब ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो दो तरीका है, या तो एक्सरसाइज के पहले टू लगा दो या तो एक्सरसाइज में आईएनजी लगा दो। तो कोई भी तरीका कर दो, तो टू एक्सरसाइज ये हो गया व्यायाम करना। अब ये सब्जेक्ट की तरह तो काम करेगा, लेकिन सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, तो क्या हो जाएगा? इज। और लाभदायक है यानी कि यूजफुल, बताइए। अब यूजफुल फॉर हेल्थ वो सब अलग है, लेकिन अभी तो समझ में आया ना, क्लियर है इतना? या दूसरा तरीका एक्सरसाइजिंग, अच्छा कभी कभी क्या होता है एक्सरसाइजिंग ऑकवर्ड लग रहा है, ऑकवर्ड है कि नहीं एक्सरसाइजिंग, तो टू एक्सरसाइज इज यूज, जहां पर जो सुटेबल लगे उसी को करना, जबकि सही दोनों से रहे, बताइए इतना समझ में आया? अपने एक तो देखा कि ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, लेकिन सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, क्लियर है ना? दूसरा आपने देखा ये काम करता है ऑब्जेक्ट की भी तरीके से काम करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या, क्या मीन समझ रहे हैं ना? व्हाट, डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट, या जो है किसे, किसको, किससे, हुम, व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है ना? क्या होता है व्हाट या हुम, पहले से लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ, इतना समझ में आया ना? इसे लिखिए, ऐसे रूल लिख लीजिए या रूल नंबर वन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपने कहा ये एक ऑब्जेक्ट की भी तरह काम करता है, जैसे देखो मुझे तुमको, मुझे तुमको गाली देने में, गाली देने में मजा आता है, मजा आता है, मान लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मान लो, ठीक है? तो बात हो रही मुझे के बारे में, कोई पंगा नहीं, आई हो गया, मजा आता है, ये मेन हो गया आपका, तो आई इंजॉय मीन्स मैं इंजॉय करता हूं। अब देखिए क्या करने में, गाली देने में, वो भी किसको? तुमको। अरे किसी को हटा दो, मुझे गाली देने में मजा आता है, ठीक? तो देखिए गाली देने में, गाली देना एक्चुअल में काम था ना? यस सर। सबकी बस की बात है गाली देना, मुझे गाली नहीं आती यार। हाँ कुछ को लग जाती बात, अरे चलिए गाली देने में तो क्या हो जाएगा? हाँ बताइए, एब्यूज। आपने कहा कि एब्यूज मीन्स होता गाली देना, लेकिन एक्चुअल में ये तो वर्ब है ना, वर्ब को किसकी तरह काम करवाना है? नहीं, वर्ब यहाँ पर मुझे क्या करने मजा आता है? गाली देने में। तो क्या का, हाँ क्या का रिप्लाई है ना? जब क्या का रिप्लाई है तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ काम को जबरदस्ती आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो क्या करोगे? जब काम को जबरदस्ती ऑब्जेक्ट में बनाना, दो तरीका है, या तो टू लगाओ या तो आईएनजी, तो या तो अब्यूज, या तो टू अब्यूज बोलो या अब्यूजिंग, है ना? आई एंजॉय अब्यूजिंग, है ना? इसका मतलब यहाँ क्या कर दो, अब दिमाग में आता है मे का सेंस आया, तो मे के लिए इन हो जाएगा, आई एंजॉय इन अब्यूजिंग, नहीं सीधा आई एंजॉय अब्यूजिंग या टू अब्यूज, मतलब मैं गाली देते हुए एंजॉय करता हूँ, गाली देकर एंजॉय करता हूँ, क्लियर है? ये सेंस आता है, ये तो मैंने रफली बताया। अब आप लोग बताओ, चलो दुल्हन की विशेषता बताते हैं, जो अभी अभी जल्दी में जिनकी शादी हुई है, आप लोग समझ रहे हो ना कि इसकी शादी हुई है? हाँ, अरे सर को ही ठोकना। अरे देखो यहाँ दुल्हन, देखो क्या क्या जानते हैं, खाना पकाना,
खाना पकाना, लड़ना, लात मारना, जानती है। भाई ससुराल वाले क्या कहते हैं, भैया मेरी बिटिया नहीं गाय है, गाय है एकदम, इतनी सीधी है कि जो किसी को देखती नहीं है, जब भी देखती तो एकदम सुबह से रात तक देखती है ना। चलो खैर ये तो हो गया, आप आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। बात हो रही दुल्हन की, ठीक है, किसी की बात हो, मुझसे क्या मतलब, ब्राइड, ब्राइड, क्लियर है। अब देखिए जानती है ये काम है, तो क्या हो जाएगा, नोज। अब देखिए खाना पकाना कितनी अच्छी बात है, लड़ नहीं ये अच्छी बात नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं, ये तो मैंने जस्ट ऐसे लिखा है रैंडमली, किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ नोज, अब यहाँ पर हो जाएगा हाउ टू, अब ये बताएंगे हाउ तरीका की जब बात हो तब वहां पर हाउ लगता है, जबकि आप टू नो भी बोल सकते हो। तो हाउ टू कुक, हाउ टू कुक द फूड, और क्या हो जाएगा, फाइट टू फाइट, और क्या हो जाएगा, टू किक, किक मीन्स होता है लात मारना, इतना समझे, सिंपल सा है। देखिए ब्राइड ये हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस ई एस तो लगेगा ही, इसलिए नो में आपने क्या लगाया, नोज। तो ब्राइड नोज यानी कि दुल्हन जानती है, देखिए ब्राइड नोज मीन्स दुल्हन जानती है, हाउ टू स्विम, हाउ टू कुक द फूड। देखिए हाउ ये देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा, हाउ क्यों लगा, टू कुक द फूड बनाइए ना, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में जब कोई तरीका अच्छे से बकायदा पता हो तो वहां पर हाउ का यूज होता है। जैसे आई नो, जैसे मैं कहूँ आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, आई नो टू स्पीक इंग्लिश थोड़ा सा घिसा पिटा लगता है ना, तो स्टैंडर्ड में हाउ का यूज होता है। और हाउ क्या बताता है, तरीका कैसे, हाउ विल यू डू दिस वर्क, आप इस काम को कैसे करोगी, तो तरीका, तो वही चीज यहाँ पर, हाउ टू कुक। अब यहाँ देखिए टू कुक इन्फिनिटिव में, या जो है टू फाइट इन्फिनिटिव में, टू किक, और भाई टू फाइट एकदम गुत्थम गुत्थी वाले फाइट है। अगर यहाँ क्वेरल बोलते तब मुंह से रहता, दोनों में अंतर है, क्वेरल का भी मतलब क्या होता है, लड़ना, और फाइट का भी, फाइट का मतलब एकदम फिर फिजिकल हो गया, एक घंटा आप इधर फिर एक इधर फिर एक इधर, नेक्स्ट लेवल। लेकिन क्वेरल का मतलब मुंह से ही है, बताइए फाइटिंग किससे शुरू होता है, क्वेरल से या फाइट से, पहले क्वेरल से, क्वेरल से होता, अभी मार देंगे, मारो मारो मारो, मार देता है, अब शुरू फाइट अच्छी खासी तब होती है। चलो अभी समझ में आया, तो यहाँ पर ये क्या का आंसर है, एक करके दिखाओगे आप लोग, लिखिए एक सेंटेंस, लिखिए एक सेंटेंस, लिखिए मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, देखिए पसंद है कि नहीं, पढ़ना लिखना पसंद है, तो देखिए क्या हो जाएगा, आई लाइक टू रीड, लाइक, हाँ। अब यहाँ पर दो तरीका है, चाहे टू रीड बोल दो, चाहे रीडिंग, चाहे आप रीडिंग बोल दो। एक्चुअल में यहाँ रीड या रीडिंग किसकी तरह काम कर रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। तो बताइए पहला रूल क्लियर है ना, पहला रूल क्या है वर्ब का, अगर पहला रूल बात करें तो सीधा सीधा मैंने बताया, इन्फिनिटिव या जीरंड जो होता है या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, है ना, और ऑब्जेक्ट तो क्लियर ही है। अच्छा एक चीज और है, इन दोनों का सेंस जनरली ना नी ने से निकलता है, नानी ने से निकलता है, क्लियर है, समझ में आया, इतना पहला रूल क्लियर है अच्छे से। अब यहाँ पर दूसरा थोड़ा सा बात करते हैं इंटरेस्टिंग, इतना रूल क्या हुआ, एक दो एग्जांपल और बताऊं, चलिए ठीक है। अगर जैसे मैं कहूं मुझे घूमना पसंद है तो क्या कहोगे, आई
लाइक मुझे क्या पसंद है, घूमना। क्या का रिप्लाई है, घूमना। यानी कि घूमना क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन घूमना एक्चुअल में तो काम है। काम ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि जीरंड या तो इन्फिनिटिव में, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक टू वॉक। अगर आप एकदम बहला बनकर घूम रहे हो, समझ रहे हो ना, तो वहां पर आप, वहां की इंग्लिश अलग होगी, वहां पर इंग्लिश हो जाएगा, हो जाता है वेंडर। वेंडर मतलब इधर उधर घूमना, घुमंडा मारना। क्लियर है, समझ में आए। अगर आपको वैसे कहीं घूमना पसंद है, जैसे मंदिर पर जाना या ऐसे प्लेस को देखना, तो आई लाइक टू विजिट। विजिट का भी मतलब घूमना होता है, घूमना कई प्रकार का होता है। अगर आपको कहीं किसी का चक्कर लगाना, तो वो भी घूमना, वो अलग है ना। अरे घूमना भाई अलग अलग तरीके का होता है। yes, आपको पता है आपको कौन सा घूमना पसंद है। चलो अभी क्लियर है इतना, बस यही चीज आपको याद रखना। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए दूसरा रूल। देखिए जितने भी मोडल्स हैं, रूल नंबर सेकंड मोडल्स जितने भी हैं, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिक्स है भाई, कसम खा लो। मोडल्स अभी मैंने बताया था 13 है। जरा सा नाम बताओ कौन कौन से हैं। कैन, कुड, और कैन का भाई कुड, कुड जो कि मर गया है, मतलब कैन का पास्ट फॉर्म कुड है ना। मे, और मे का मरा हुआ भाई माइट। सेल, और सेल का मरा हुआ भाई सुड। बिल, और बिल का वुड हो गया। और इसके बाद में मस्ट, आटू, नीड, और डेयर। डेयर, हाउ डेयर यू टू टच मी। तुम्हें मुझे टच करने की हिम्मत कैसे हुई। मूवी जो हम सुने होंगे ना, हाउ डेयर यू टू से लाइक दैट, आपको ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, इस तरह से। अब एक और बचा, और वो है आपका यूज्ड टू। इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, याद रखना। इन सब के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अच्छा खासा रूल है ना, क्योंकि सिंटेक्स में कभी कभी ऐसे दे देते हैं, मुझे काम करना चाहिए आई शुड वर्कड। अगर ध्यान ना दो तो गलत हो जाता है। यहाँ गलती कहाँ है, ईडी है, क्योंकि शुड क्या है, मोडल्स है, और मोडल्स के साथ क्या चाहिए, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्कड नहीं बल्कि वर्क होगा। अब समझ में आया, रूल नंबर दो इजी है ना। देखिए मैं अपने हिसाब से इजी करके समझा रहा हूँ, क्लियर है ना। लेकिन अब सुनो, अगर इन्हीं मोडल्स के साथ, देखिए मोडल्स के साथ में अगर हैव लग जाए, अगर ऐसा आ जाए, मान लीजिए मोडल्स प्लस हैव आ जाए, मोडल्स प्लस हैव आ जाए, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे मैं कहूं मुझे लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था, देखिए मुझे लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था, पता है क्या लिखना चाहिए था, पत्र लिखना चाहिए था, पत्र नहीं लिखा, आगे नहीं बताऊंगा भाई, मुझे पत्र लिखना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, आई, इसकी इंग्लिश होगी शुड हैव, आई शुड हैव रिटन, राइट नहीं बच्चा, देखो थर्ड फॉर्म रहेगा, आई शुड हैव रिटन, इस तरह से। कुछ भी मतलब मोडल्स के साथ अगर हैव लगा है, तो वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये दो रूल समझ में आया ना, दोनों साथ में क्या है, मोडल्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडल्स के साथ हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसे लिख लीजिए जल्दी से, दूसरा रूल है वर्ब का, रूल समझ में आ रहा ना, इजी जी है, इसे लिख लीजिए। यहां पर एक रूल है, हर कोई समझिएगा, सिंपल सा रूल है, चाहिए, वैसे एक बार मैंने इसको बताया है, लेकिन ध्यान दीजिए, चाहिए। अब चाहिए की इंग्लिश होती है शुड भी होती, चाहिए के लिए
मस्ट का भी यूज किया जाता है, चाहिए के सेंस में ought to का भी यूज किया जाता है, और चाहिए के सेंस में want का भी यूज किया जाता है। सब में डिफरेंस क्या है समझो। चाहिए के लिए should का भी यूज होगा, मस्ट भी होगा, ought to भी होगा, want भी होगा। अगर नॉर्मली बात हो, नॉर्मली नॉर्मल एडवाइस हो, बहुत ज्यादा जोर ना दिया जाए, जैसे मैं नॉर्मल एडवाइस देता हूँ भाई इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश जरूरी है, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, नॉर्मल है, जोर नहीं दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, शुड लगेगा, है ना। जैसे आपको स्कूल जाना चाहिए, नॉर्मली बात किया गया, जोर नहीं दिया गया, तो क्या हो जाएगा, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल, नॉर्मल बात हो बिल्कुल। लेकिन अगर जोर दिया जाए, मींस जरूर चाहिए का सेंस आए, या जो है अवश्य चाहिए का सेंस आए, जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए का सेंस आए, तब वहां पर लगेगा मस्ट। जैसे आपको स्कूल जरूर जाना चाहिए, यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है कि आपको स्कूल जाना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल बात किया गया है, नॉर्मल एडवाइस दिया गया है। लेकिन मैं कह दूं आपको स्कूल जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, आपको स्कूल जरूर जाना चाहिए, अब यहां पर जोर दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट गो टू स्कूल। लेकिन अगर राइट्स की बात आ जाए, राइट्स मीन समझ रहे हैं अधिकार, या जो कर्तव्य की बात आ जाए, ड्यूटी, ड्यूटीज, और खासकर ये मोरल, अगर मोरल राइट्स, नैतिक अधिकार या नैतिक कर्तव्य की, फर्ज की बात आ जाए, तब वहां पर क्या लगाना है आपको, ought to। जैसे आपको पापा मम्मी की सेवा करनी चाहिए, बताओ ये आपका फर्ज है कि नहीं, आपको पापा मम्मी की सेवा करनी चाहिए, या पापा मम्मी का कहना मानना चाहिए, कहना मानना चाहिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, यू ought to, है ना, क्योंकि ये नैतिक कर्तव्य है, तो यू सॉरी यू ought to obey the पेरेंट्स, माता पिता का कहना मानना चाहिए। लेकिन अगर किसी सामान की बात हो, किसकी बात हो, सामान की बात हो, तो वहां पर क्या लगेगा, वांट। जैसे मैं कहूं मुझे एक पेन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। इतना समझ में आया, अब देखिए ध्यान से, ध्यान से समझना, इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए बाय वन गेट वन, अगर सेंस आ जाए चाहिए था, ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना यहाँ तक, अगर सेंस आ जाए किसका, चाहिए था, तब क्या होगा, चाहिए था के लिए एक तो यूज होगा शुड नहीं बल्कि शुड हैव, चाहिए था, मस्ट नहीं बल्कि मस्ट हैव, क्लियर है, आर टू नहीं बल्कि आर टू हैव, वांट नहीं बल्कि वांटेड, वांट हैव नहीं वांटेड। जैसे देखो आपको स्कूल जाना चाहिए था, तो क्या होगा, यू शुड हैव, था वाला आ जाना, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव गो टू स्कूल, सही है, अभी रूल बताया गया, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, रूल कभी गलत नहीं होगा, जो नियम है हमेशा नियम फॉलो रहता है, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, आपको स्कूल जरूर जाना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, आपको पापा मम्मी का कहना मानना चाहिए था, तो यू ought to have obeyed the parents, मुझे एक पेन चाहिए था, आई वॉन्टेड अ पेन, समझ में आया, दोनों में अंतर क्लियर है। देखिए इसको मैं ऐसे डिब्बे में बंद कर दे रहा हूं, ये जो अलग थोड़ा सा नखरा कर रहा है ना, समझ रहे हैं,
इतना क्लियर हुआ? आपका मेन तो यही है, ये वाला एकदम लास्ट में लिखिएगा, ये जितना डिब्बा में है इसको लास्ट में, बाकी इसको ऐसा लिख लीजिए, या कोई एक एग्जांपल और दिया जाए। चलो एक बताओ, आप लोग सोच समझ कर बताना, मुझे खाना चाहिए, आ जाइए, मुझे खाना चाहिए क्या होगा? अरे लिखो मत, मुझे खाना चाहिए, अरे चाहिए नॉर्मल सेंस है, आई शुड ईट द फूड, मुझे जरूर खाना चाहिए, आई मस्ट ईट द फूड, आई मस्ट ईट द फूड, मुझे टीचर्स का कहना मानना चाहिए, आई ऑट टू ओबे द टीचर्स, है ना, मुझे एक किलो जलेबी चाहिए, आई वांट आई वांट वन के जी फनल केक, जलेबी को फनल केक बोलेंगे या जलेबी बोल दो। चल अब चाहिए था आ जाए तो क्या हो जाएगा? तुम्हें मरना चाहिए था, यू शुड हैव डाइड, या तुम्हें मर जाना चाहिए था, यू शुड हैव सुसाइड। क्लियर है? अच्छा, मुझे एक गिलास पी लेना चाहिए था, समझ जाओ तो क्या हो जाएगा? पी लेना चाहिए था, पिया नहीं था मैंने, आई मस्ट है, नहीं नहीं नॉर्मल बात हो रही, पी लेना चाहिए था, आई शुड है, आई शुड है ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाइन, ग्लास ऑफ एल्कोहल। क्लियर है? तुम्हें जरूर बासी खाना खाना चाहिए था ताकि बीमार हो जाती, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट है ईटन द स्टेल फूड, समझ में आया? इस तरह से आपका बनेगा, इसे लिख लीजिए जल्दी, इसमें कोई दिक्कत?